ये क्या है? ये पर्ची यहाँ पर किसने रखी? आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा है। जी मैडम, ये पर्ची मैंने लगाई है। वो आपकी स्कूटी पार्किंग में थी ना, तो 50 रुपए हुए आपके। अच्छा, तो पैसा कमाने का यहाँ बहाना ढूंढ ही लिया है तुम लोगों। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये कोई पार्किंग एरिया नहीं है और मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। नहीं मैडम, ये पार्किंग ही है। आप किसी से भी पूछ लो, यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी है सबके पैसे दिए इन्होंने। लेकिन मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी, तुम जानते नहीं हो मैं कौन। रुको जरा। हेलो। हाँ सुनो ना, ये पार्किंग वाला है ना, ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मुझसे पैसा मांग रहा है। हाँ तो दे दो। तुम कब से 20-30 रुपए के लिए मुझसे पूछने लग गई? नहीं, मैं नहीं दूंगी इसे पैसा, तुम ही इसे बात कर लो। हेलो। हेलो जी सर। देखो, तुम्हारे राइट में जो बिल्डिंग है उसमें मेरा ऑफिस है और मैं वहाँ का मैनेजर हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पार्किंग में खड़े होने वाली गाड़ियों से पैसा लेना तुम्हारा काम है, लेकिन ये बात मेरी वाइफ नहीं समझी। जी सर, तो अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, हमारा भी नौकरी का सवाल है ना। ये तो बात है। तुम एक काम करो, मेरी वाइफ को अभी जाने दो, मैं शाम को आके तुम्हें पैसे दे देता हूँ। अच्छा ठीक है सर। मैडम आप जाइए। तुम लोग ना ऐसे ही होते हो, प्यार से तुम लोग नहीं मानते हो। आइंदा से ही गलती नहीं होनी चाहिए। आ गए ना औकात पे। अड़ा आया, ये पकड़ो। यार इन पैसे वाले लोग से ना तो भगवान ही बचाए। भगवान इन लोगों को जितना पैसा दे देते हैं ना, फिर भी रोते ही रहते हैं। बस दिखावे के लिए गाड़ी खरीद लेते हैं, पर पार्किंग में 20-30 रुपए देने में जान जाती है इनकी। मुझे क्या, किसी दिन इनका खुद का नुकसान होगा ना, तब समझ आएगा इन्हें। हाँ, और हम लोग इनकी गाड़ी की देखभाल करते हैं और ऊपर से हमको ही सुना के चले जाते हैं और पैसे भी नहीं देते हैं। चल छोड़, तू उधर देख। हाँ आ गई तुम। मुझसे बात मत करो तुम, उस पार्किंग वाले ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। स्कूटी के पार्किंग के लिए भी पैसे लगते हैं क्या? गाड़ी होती तो फिर भी मैं मान लेती कि गाड़ी इतना जगह घेरती, लेकिन स्कूटी के लिए भी हद होती है यार, लूट मचा रखी है इन्होंने। तुम्हारे बात में तो पॉइंट है। ये तुम कमेंट कर रहे हो या फिर सच में एग्री करते हो? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातों से एग्री कर रहा हूं। यहां पार्किंग में कौन था? जी हम ही थे। ओके, ये लो तुम्हारे पार्किंग के पैसे। ओह थैंक यू। वो क्या है कि मैडम सुबह खामखा भर के चली गई, मैं तो बस अपने पार्किंग के पैसे मांग रहा था। वो क्या है, पार्किंग में आपकी गाड़ी सेफ रहेगी इसलिए हम पार्किंग के पैसे लेते हैं, वरना ऐसे तो कोई भी गाड़ी को कुछ भी करके चला जाएगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी फिर। देखो मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये बात मुझे अपनी वाइफ को समझानी पड़ेगी। क्या करे, वो बहुत ज़िद्दी है, लेकिन उसे समझाना भी ज़रूरी है। छोड़ो, ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। अरे मेरी स्कूटी, मैं तो यही पार्क करके गई थी, कहाँ चली गई? ओह शिट, अब मैं क्या करूँ? अबे ओए, मेरी स्कूटी यहाँ पर पार्क करके गई थी, कहाँ गई? मैडम हमें क्या पता आपकी स्कूटी कहाँ गई, मैं तो वहाँ गाड़ी पार्क करवा रहा था। तुम्हारा काम है यहाँ पर गाड़ी का देखभाल करना, उधर मटर गश्ती करना नहीं। अरे मैडम हमें पता है हमारा काम, अब आप सिखाओगे हमारा काम? और जो लोग पार्किंग के पैसे देते हैं उन गाड़ियों की देखभाल करते हैं हम, और गाड़ियों की जिम्मेदारी नहीं होती। अच्छा, एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से जुबान भी लड़ा रहा है। रुक तुझे, अभी नौकरी से ना निकलवा दिया ना तो मेरा नाम भी पिंकी नहीं। रुक अभी बताती हूँ। हेलो। हाँ पिंकी बोलो। हाँ सुनो ना, मैं यहाँ पर स्कूटी पार्क करके गई थी, लेकिन आने के बाद देख रही हूँ कि मेरी स्कूटी यहाँ पर नहीं है। मुझे लगता है मेरी स्कूटी चोरी हो गई, हमारा लाखों का नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूँ? क्या बोल रही हो तुम, पार्किंग से स्कूटी चोरी हो गई? मैंने पार्किंग के पैसे नहीं दिए थे, तो मुझे लगता है कि इन्होंने ही मेरी स्कूटी चोरी की होगी, बदला ले लेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम वहीं पे वेट करो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आओ। हाँ
हाँ रुक तू, अभी बताती हूँ। अरे ये क्या, तुम स्कूटी लेकर आ रहे हो? हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी स्कूटी मैं ही चोरी करके गया था। भैया इधर आइए। जी सर। मेरी वाइफ जिद में ना जाने क्या क्या नहीं करती, मुझे उसे समझाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है लेकिन उसमें मुझे आपकी मदद पड़ेगी। बताइए सर मुझे क्या करना होगा। ठीक है सर। बेबी मैं तुम पर इतना ट्रस्ट करती थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तुमने ये सब क्यों किया? देखो ये सब करके मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। एक बात तुम सोचो, 20-30 रुपए देके अगर हमारी लाखों की गाड़ी सेफ रखी तो उसमें गलत क्या है? हाँ अगर हम लाखों की गाड़ी खरीद सकते हैं तो उसके सेफ्टी के लिए तो 20-30 रुपए दे ही सकते हैं ना। लेकिन हमें इनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी ये गाड़ियों की सुरक्षा बहुत अच्छे से करते हैं। हम पैसे और गाड़ी के घमंड में आके क्या करते हैं, हम इनका मजाक उड़ा देते हैं, इनके औकात दिखा देते हैं और ये बेचारे कुछ बोलते भी नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पैसे देकर गाड़ी पार्क करनी चाहिए थी। भैया आई एम रियली वेरी सॉरी, आप तो बस अपना ड्यूटी कर रहे थे लेकिन मैंने ही गुस्से में आकर आपको बहुत कुछ सुना दिया और आपके साथ बदतमीजी भी की, प्लीज हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं नहीं कोई बात नहीं मैडम, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया यही बहुत है।